हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें ये डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या आती है, ये सिंप्लीफाई करने के काम आती है एक्सप्रेशन को। तो इसके दो थ्योरम्स हैं। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम है, उसमें क्या होगा कि अगर कॉम्प्लीमेंट है प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, किसी भी दो वेरिएबल के प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, वो किसके इक्वल होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगल सिंगल वेरिएबल। और उनका आपस में कौन सा ऑपरेट बनाएगा? और ऑपरेशन बनाएगा, सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल। दिस इज अ फर्स्ट थ्योरम। ऐसे हमारे पास अगर ये फॉर टू वेरिएबल्स, ये फॉर टू वेरिएबल्स, ऐसे फॉर थ्री वेरिएबल्स में क्या होगा? सेम चीज, कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेरिएबल्स इज इक्वल टू सम ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सिंगल सिंगल वेरिएबल्स। सेकेंड थ्योरम है कंप्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। हमने पीछे पढ़ा भी है इसके बारे में, प्रॉपर्टीज में। तो ये हमारे क्या थे? डी मॉर्गन। ऐसे थ्री फोर, ये था फोर टू वेरिएबल्स, फोर थ्री वेरिएबल्स में वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट, जेड कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अ डी मॉर्गन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो अब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं कि हमने एक्सप्रेशन लिख लिया, हमारे पास है इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी का कॉम्प्लीमेंट और इनका होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे? अब ये देखो, पहले सिंगल कॉम्प्लीमेंट है, फिर इन दोनों का डबल कॉम्प्लीमेंट है और इसका अलग है। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये एक टर्म बन जाती है, कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और कॉम्प्लीमेंट, ये एक टर्म बन गया ना पूरी। तो इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स है और सी डी कॉम्प्लीमेंट को अज्यूम कर लेते हैं वाई, जिससे हमें सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो अब इसको अज्यूम कर लिया हमने एक्स और इसको अज्यूम कर लिया वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया। तो एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, ये चीज होती है। अब पुट करो x कॉम्प्लीमेंट, x किसके इक्वल हमने था a कॉम्प्लीमेंट v का होल कॉम्प्लीमेंट और y cd कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें पुट कर दिया, ये चीज बन गई ना हमारी। इसमें पुट किया तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डॉट ब्रैकेट्स में था डॉट सी डी, एक्स की जगह हमने ये चीज कर दी और इसका कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि ये तो हमने माना हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो, दो कॉम्प्लीमेंट आ गए, तो दो कॉम्प्लीमेंट आ गए तो हमारे पास कंडीशन थी कि किसी भी चीज का डबल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो सिंपल रह जाती है। तो ये दोनों का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो क्या बन गया? ए कॉम्प्लीमेंट बी डॉट डबल कॉम्प्लीमेंट है तो सी डी। अब इसमें तो कोई चीज कॉमन नहीं है कि जिसको हम निकालेंगे और सॉल्व कर सकेंगे, तो यही था इसका सिंप्लीफाई। ऐसे हमने डी मॉर्गन्स को यूज करके या पिछली प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और कि हमारे पास कोई सर्किट डायग्राम है तो उससे पहले एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर डी मॉर्गन को यूज करके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक एग्जाम्पल करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है,
उससे हमने एक एक्सप्रेशन बनाना है, फिर से वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक सर्किट बनाना है. यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्किट एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन देन ड्रॉ सर्किट. तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब हम पहले सर्किट को रीड करेंगे. तो सर्किट को रीड करने के लिए क्या करते हैं, अब देखो ये हमारा सर्किट डायग्राम है. हाँ, ये कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है. ठीक है, तो इसको साथ साथ हम गेट को बनाते जाते हैं. फर्स्ट हमारे पास कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट. एंड गेट में हमारे पास दो इनपुट्स लगी हैं, ए बी. तो इसकी आउटपुट क्या आती है, ए डॉट बी. ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास इधर चला गया ना, ये गेट के पास इसकी बन गई एक, इसकी जो आउटपुट है इसकी क्या बन गई, इनपुट. अब नीचे हम चले जाते हैं क्योंकि अभी इसकी सेकंड आउटपुट हमने बनानी है इनपुट. तो अब नीचे हमारे पास लगा हुआ है और गेट. ये कौन सा गेट लगा हुआ है, और गेट. इसके पास हमारे पास दो इनपुट्स लगी हैं, सी और डी. तो और गेट का आउटपुट क्या आती है, सी प्लस डी. ये हो गया. उसके बाद इसके साथ लगा हुआ है नोट गेट. तो इसके साथ अगर नोट गेट लग जाए तो क्या बन जाता है, सी प्लस डी का होल कंप्लीमेंट. ये बन गया. उसके बाद इसके पास क्या लगा हुआ है, अब इसको रिमूव ही कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या लगा हुआ है, एंड गेट. एंड गेट लगा हुआ है. तो एंड गेट की एक तो इनपुट है ये, और दूसरी इनपुट ऊपर से आ रही है ये वाली. एक इनपुट जा रही है ए डॉट बी और दूसरी ये आ रही है. तो इसकी आउटपुट क्या बन गई, पहले हम इसकी आउटपुट बना लेते हैं, ए डॉट बी. एंड गेट में आपस में प्रोडक्ट होता है डॉट सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट. ये बन गया. ठीक है, अब ये दोनों फिर आपस में मिलके एक एंड गेट बना रहे हैं. ये आपस में मिलके एंड गेट बना रहे हैं. अब ये इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन गई, और ये एक डायरेक्टली हमारे पास इसकी इनपुट आ रही है ए बी. ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास, इन दोनों में फिर से एंड गेट लग गया. तो मतलब डबल ए बी आ गया ना हमारे पास. तो क्या बन जाएगा, ए बी. एक तो ये इनपुट हमारी ए बी सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट, तो स्क्वायर नहीं करना हमने. तो एक का हमारे पास ये आ गया ए बी. अब इस पे क्या लग गया, नॉट गेट लग गया. इस पे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है. तो नॉट गेट लग गया, तो नॉट गेट क्या है, वाई. तो वाई किसके इक्वल आ गया, इसका. नॉट गेट लग गया तो मतलब पूरी टर्म का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट. तो पूरी टर्म का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, डी का कॉम्प्लीमेंट ए बी का कॉम्प्लीमेंट. ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन. तो अब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू ए बी सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट और ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन. अब क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. इसको एक मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, क्योंकि यूज करनी है हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम. ठीक है, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि इधर लेट कर लिया कि जो ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट है इसको हमने एक्स मान लिया और ए बी को हमने वाई मान लिया. अगर इनको ऐसे मान लिया तो मतलब ये क्या बन गया, एक्स प्लस एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट. तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या थे, एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई. तो अब ये वैल्यूज इसमें फिर से सब्सटीट्यूट कर लेता है. एक्स क्या था हमारा, ए बी सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट. तो अब इसमें लिख देते हैं, ये चीज हमारे पास बन गई, ए बी सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट. अब ये चीज बन गई. अब फिर से इसको हम देखो, अब फिर से हम इसको अज्यूम कर लें. तो अगर हम अब इस कंडीशन को हम अज्यूम कर लें, ठीक है, तो अगर हम अज्यूम कर लें कि लेट ए बी हमारे पास एक्स है और सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वाई है. तोड़ लिया इसको फिर से ए दो पार्ट्स में. ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट. फिर से वही बन गया, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट. तो अब क्या बन गई इसकी कंडीशन, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. तो इधर लिखेंगे,
एपी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या था, एपी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आ गया। अब ए बी कॉम्प्लीमेंट है तो ये तो पता ही है हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम में कि दो चीजों का कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इनको तोड़ लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब डबल कॉम्प्लीमेंट है तो किसी भी चीज का डबल कॉम्प्लीमेंट सिंपल आ जाता है, तो बन गया सी प्लस डी। ऐसे ही ए प्लस बी का वही, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो दोनों चीजें सेम सेम आ रही है, तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा कर दिया, प्लस सी प्लस डी। अब हमने ये चीज पढ़ी थी कि दो चीजें अगर आपस में सेम है तो वो क्या होगा, सेम। ए प्लस हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो चीजें सेम है तो वो क्या होगा, सेम आ जाएगा। तो अब दोनों ए कॉम्प्लीमेंट है, सेम है, तो एक आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस सी प्लस डी। ये हमारा क्या बन गया, एक्सप्रेशन। इसके अलावा हम इसको और सॉल्व कर नहीं सकते। तो अब इससे उन्होंने बोला कि इसको यूज करके हमने क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम बनाना है तो अब देखो क्या हमारे पास कितनी इनपुट्स लगी है, चार इनपुट्स लगी है, ए बी सी एंड डी लगी है। तो ए के साथ क्या लगा है, कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ए के साथ हमारे पास नोट गेट लगा है, तो ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी के साथ लगा है नोट गेट लगा है, तो इन चारों को आपस में मिलके क्या बना रहा है, एक और गेट बना रहा है, नोट लगा तो बी कॉम्प्लीमेंट। बाकी हमारे पास सिंपल है, ठीक है, तो हमने एक क्या बनाना है, और गेट, और गेट ही आपस में इनको सम करता है, तो ये दो इनपुट्स मिल गई, चारों मिल गई। तो आपस में चारों जब मिल जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी, तो वाई इज इक्वल टू, ये था हमारा सर्किट डायग्राम। इसके नोट्स है, डेफिनेशन ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, ये इसके क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सर्किट डायग्राम को कैसे रीड करके उसका एक्सप्रेशन बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है उसका एक्सप्रेशन। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।